सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल बिस्टन बॉय में। मैं हूँ आपका होस्ट शारुल और आप देख रहे हो बिस्टन बॉय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग यार, उम्मीद करता हूँ बहुत 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 ही अच्छे होंगे। तो बहुत दिन के बाद मेरे गला और मेरा आवाज़ सुनने को मिल रहा है यार। मैं भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के लिए बहुत ही बेताब हूँ यार। नया वीडियो लेके आ चुका हूँ इलाइट पास 19, जो सीजन 19 जो आने वाला है, मतलब नेक्स्ट इलाइट पास, उसके बारे में ये वीडियो पूरा है यार, लीक निकल चुका है। तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना मेरे सब्सक्राइबर को बता दिया जाए। और जो भी बंदा मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और मेरे आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन अलर्ट पर रख देना। जब भी कोई वीडियो डालो तो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। और साथ ही साथ यार एक लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो इलाइट पास 19 के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है फीमेल का जो जैकेट है वो एकदम खास है, वो एकदम अच्छा लग रहा है देखने में भी। ये किस चीज़ से रिलेटेड है इलाइट पास बता देता हूँ। अगर डाकुओं को पता होगा आपको, जो जहाज़ पे लुटेरे होते हैं, तो उस जिस चीज़ से रिलेटेड है ये इलाइट पास, ठीक है। मतलब पैरेट्स बोलते हैं ना, तो उस पैरेट्स से मतलब रिलेटेड है ये इलाइट पास। एंड यहाँ पे देख सकते हो M60, जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से ये इलाइट पास में दे चुके हैं, फिर से हमें ये M60 गन का स्किन देखने को मिल रहा है इलाइट पास 19 में। पता नहीं गरीना हमें क्या देना चाहता है, थोड़ा अच्छा चीज़ में क्या हो जाएगा पता नहीं। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है पैराशूट, तो पैराशूट भी हमें देख सकते हो। यहाँ पे हमारा जहाज का फोटो बना हुआ है, देख रहे हो आपको छोटा सा, हाँ। और ये रहा हमारा कुछ पैरेट्स का जो जहाज होता है उसका गाड़ी जैसा जो हैंडल होता है, उसका तरह अवतार है, तो उसका भी अवतार अच्छा है, मतलब बैनर बोल सकते हैं, अवतार और बैनर में दोनों है। और यहाँ पे अवतार भी देख सकते हो एकदम धासु है, एस्केलेटिन का फोटो दिया हुआ। एंड फीमेल का बंडल भी एकदम देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है यार। फीमेल का बंडल बात करूँ तो इसमें आपको अगर कुछ चीज़ें हैं जो हमें डेकोरेशन करता है पूरा। अभी एक नया डायमंड रोल पे एक बंडल आया था, तो कुछ उस पे से उसका जो शर्ट होगा तो उसका भी कुछ इस तरह ही था। एंड इसको देखते हुए ये इलाइट पास को भी फिर से वो डेकोरेट किया गया होगा। एंड इसका भी देख सकते हो आँखें में एक आँख बंद है, और इसका मतलब वही चीज़ है, इसका मतलब जैसे कि लग रहा है कि आपका पैरेट्स का जो डाकू लोग होते हैं तो उसी का मतलब महारानी और राजा जैसे होते हैं वैसे ही है। तो दो फीमेल और मेल का है, उसका बाल देखने में जैसे झाड़ू का लग रहा है, मतलब अच्छा है लेकिन एकदम क्या बोलूँ, नूडल्स का टाइप का ये तो यार अच्छा है। लेकिन ड्रेस बहुत मस्त है यार, मुझे तो लग रहा है इस बार का इलाइट पास जिसने नहीं लिया बहुत अच्छा किया। इस बार का जिसने भी अगर लिए नहीं लिया ना, तो यार बहुत अच्छे की डायमंड बचा लिए। नेक्स्ट इलाइट पास जो अभी ये इलाइट पास के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें इमोट भी है, ठीक है। मतलब परेशान मत हो कि इमोट है या नहीं, तो इमोट भी है, और आपको डायमंड फ्रेगमेंट्स भी मिलने वाला है, सॉरी डायमंड बोल रहा हूँ, मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स भी मिलने वाला है। तो वो क्या होता है मैं लास्ट में बताऊँगा, क्या होता है मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स क्या होता है वो बता दूंगा, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पे फेमस गन की स्किन के बारे में। तो फेमस गन की स्किन पे जो हमारे पास ऑलरेडी दे चुके हैं गरीना वालों ने, एक इलाइट पास में दिए हैं, मतलब जो गन हम लोग को पहले मिल चुका है वो फिर से मतलब दिया जा रहा है। तो इमोट की बात करें तो ये एक डांसिंग इमोट में है, जो आपको नाच के गोली खाना होता है और फिर गिर जाना होता है, तो ऐसे ऐसे नाच के धड़ंग, ठीक है। तो मतलब इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, बट हाँ इमोट थोड़ा अच्छा है, देखने में मज़ा आएगा। जब भी किसी को मार देना तो तुरंत ऐसे धड़क धड़क कर नीचे गिर जाना। तो यहाँ पर जैसे टी शर्ट भी एक ब्लू कलर का है, एकदम नाइस झकास स्काई ब्लू, तो सही है। एंड पीछे से जो हमारे पास एक बैकपैक है जो आपने देखा होगा, तो वो बैकपैक यहाँ पे देख सकते हो। और अवतार भी है, अवतार भी सही है, अवतार या बैनर जो भी बोलो तो वो सही है एकदम। अब बात करते हैं हमारे सर्फ बोर्ड के बाद में, ठीक है। सर्फ बोर्ड भी एकदम भाई शार्क है, शार्क का सर्फ बोर्ड है, ये पहले भी हमने देख चुके थे, लेकिन हमें मतलब ये अपडेट जो था वो कन्फर्म था या नहीं था इसके लिए भी हमने सोचा था, लेकिन फिर भी अभी देखा जाए तो ये इलाइट पास में दिया जा रहा है। और दो दो सर्फ बोर्ड है, एक रेड कलर और एक ब्लू कलर, ठीक है। तो ब्लू कलर तो आप देख सकते हो ऐसे ही शार्क का, मतलब उसको देख के, शार्क को देख के इसको डेकोरेट किया गया है, तो अच्छा चीज़ है यार, क्योंकि कुछ नया चीज़ हमको देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे लाइट पास आ चुके हैं जिनमें से कुछ नया चीज़ हमें देखने को नहीं मिला। बट अनफॉर्चुनेटली हमने जो चीज़ देखा होगा वो उसमें से लाइट पास में मतलब कुछ चीज़ नहीं था। तो अब यहाँ पे देख सकते हो लूट बॉक्स और अवतार की बात करें तो जो हमें जिन लोगों ने लाइट पास नहीं लेंगे उसको फ्री में मिल जाएगा, ऊपर में अनलॉक हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये भी सही है। एंड यहाँ पे बात कर ले हमारे लूट बॉक्स, तो लूट बॉक्स यार एकदम क्या बोलूँ, तो लूट बॉक्स भी बहुत अच्छा है, शार्क का मुंह लगा हुआ है एंड नीचे देख सकते हो अच्छा है यार, पानी पानी हो जाएगा, मतलब जो अभी इलाइट पास खरीदने वाला है सबके लिए एकदम अच्छा चीज़ है। एंड मैं भी सोच रहा हूँ इस बार का इलाइट पास तो मैंने लिया नहीं, ठीक है, लेकिन 19 इलाइट पास मैं लूँगा ज़रूर, क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान मिलने देखने को मिल रहा है। एंड देख सकते हो यहाँ पर दूसरा सर्फ बोर्ड, इसका रेड कलर है, और इसका जो लेजेंड है, लेजेंड तो समझ रहे हो लेजेंड क्या होता है, जिसके मतलब कुछ निकलता है, चिंगारी वगैरह जो भी निकलता है उसको लेजेंड कहा जाता है, तो ये भी लेजेंड है। एंड बात कर लेते हैं हम मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सर्फ बोर्ड के पास में जो मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स, ये वाला
ये फ्रेगमेंट्स होता क्या है, ठीक है। आपको अगर अभी एक नया रेडमी का ऑप्शन में जाकर देख सकते हो, वहाँ पे मैजिक की फ्रेगमेंट्स लिखा होगा, वहाँ पे आपको ऐसे 100 फ्रेगमेंट्स कलेक्ट करना है, उसके बाद आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो एक मैजिक क्यूब को, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा 100 फ्रेगमेंट्स हो गया तो आप एक मैजिक क्यूब ले सकते हो इसके द्वारा, मतलब रिडीम कर सकते हो। तो इस चीज़ का मतलब एक अच्छा चीज़ है, इलाइट पास में दे रहा है 10 करके, और आपको यहाँ पे डायमंड रॉयल पे भी स्पिन कर में मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारे स्टोन देख सकते हो, तो ये स्टोन भी हमें मिलने को देखने को मिलेगा, और बहुत सारे बाउंड्री टोकन 100 दिए डिस्काउंट वाउचर, और हमें और एक बैकपैक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा बैकपैक, अभी तक हमें बैकपैक ठीक से एक दिखा नहीं, वही एक बैकपैक है, और हमें बैकपैक और भी देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या बैकपैक, इस बार शायद बैकपैक एक ही दे रहा है, ठीक है। तो इलाइट पास में शायद एक ही बैकपैक दे रहा है जो ये वाला है, तो बाकी तो बैकपैक हमें तो दिखा ही नहीं, जो मैं पीछे छोड़ दिया है पता नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से एक ही बैकपैक मैं देखा हूँ, देखता हूँ कहाँ है यहाँ पे भी नहीं, एक ही बैकपैक है, ठीक है। तो गाइस एक ही बैकपैक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं लास्ट में, हमारे जो 225 बेचेस होने के बाद हमें ये फ्री में मिलने वाला है ड्रेस, उसके बाद जो जो लोगों ने अनलॉक नहीं किया उनको लिए ये फ्री है, ठीक है। एंड जिन लोगों ने लॉक कर मतलब जिन लोगों ने मतलब अनलॉक नहीं किया उनके लिए ये है, एंड जिसने इलाइट पास खरीदा उसके लिए तो है ड्रेस ये वाला हमारा, जो एकदम डाकू है, महाराजा है डाकू, एकदम जिंदाबाद, ठीक है। तो यार इस बार का इलाइट पास मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ऐसा इलाइट पास एक मैंने मिस कर दिया था, सीजन 4 या तो सीजन 5 का था, तो मैं बहुत पछताया यार उसके लिए, क्योंकि मुझे मिला नहीं, उसमें ग्रेनेड स्किन भी था, बहुत कुछ सामान था, बस वो मैं ले नहीं पाया, कुछ रीजंस था। लेकिन इस बार का इलाइट पास ये जो अभी आने वाला है 19 का, तो ये मैं खरीद लूँगा। और जो जो लोगों ने मतलब खरीदने की सोच रखा है, तो अभी आप मेंबरशिप ले सकते हो, 20 मतलब 150 रुपये का जो मेंबरशिप है वो ले सकते हो। और इलाइट पास थोड़ा कीमती हो गया यार, 600 के आसपास चला गया है, 600 डायमंड के आसपास चला गया, पहले 400 से मिल रहा था, अभी 600 के पास चला गया, ठीक है। तो आप अगर मेंबरशिप लेकर रख देते हो तो अगले लाइट पास आते आते आपका मेंबरशिप भी पूरा हो जाएगा, और आप ले सकते हो। इसका हेड भी देख सकते हो यार, एकदम धासु है, मुझे बहुत अच्छा लगा यार ये हेड वेड बहुत अच्छा लगा, एंड इसका ड्रेस और इसका मास्क भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यार मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा, अगर ज़्यादा पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। एंड बात कर लेता हूँ, ड्रेस भी बहुत मस्त है, आपको ये इलाइट पास लेना चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगा और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो यार मैं मिलता हूँ एक नया वीडियो में नया कुछ टॉपिक लेके, आई सी इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, गुड बाय। I swear.